राजस्थान की बीजेपी से नाराज हुआ राजपूत समाज मोदी को देगा झटका। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी में राजपूत। सरकार में नहीं मिला सही प्रतिनिधित्व, अब चुनाव में लिया जाएगा बदला। 2018 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे सिंधिया राज्य के सीएम थी और इस दौरान 24 जून 2018 को चुरू जिले में मालासर कस्बे में पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ होती है। पुलिस ने एक इनामी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। राजस्थान की वसुंधरा सरकार पुलिस की पीठ थपथपाती है। जिस बदमाश की जान पुलिस मुठभेड़ में गई थी उसका नाम था आनंदपाल सिंह, लेकिन यह मुठभेड़ जल्द ही सवालों में आ गई। आनंदपाल के समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले उसे गिरफ्तार किया था और उसके बाद आनंदपाल की जान ले ली गई थी। जल्द ही इस मामले में क्षत्रिय राजपूत समाज में अपनी अस्मिता से जोड़ लिया। राजस्थान में राजपूतों का आंदोलन शुरू हो गया। राजपूतों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ बढ़ता चला गया और इस बीच विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। राजपूतों ने वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार को सबक सिखाने का प्रण लिया और बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। 5 साल बाद 2023 में एक बार फिर राजपूत समाज ने बीजेपी को जमकर वोट किया और बीजेपी की सत्ता वापस आ गई, लेकिन सरकार बनने के बाद राजपूत फिर से नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस बार नाराजगी पुलिस को लेकर नहीं है, सीधे सरकार से है। राजस्थान की भजन लाल सरकार में राजपूत समाज से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है और इसी से राजपूत नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका दावा है कि सरकार में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। बीजेपी राजपूतों को अपनी जेब में मारने लगी है, इसलिए राजपूतों का कोटा घटाया जा रहा है। एक समय जब भैरव सिंह शेखावत का दौर बीजेपी में था तो राजस्थान में बीजेपी राजपूतों को 45 से 46 टिकट देती थी, अब ये कोटा सिर्फ 26 सीटों तक सिमट गया है। लेकिन राजपूत फिर भी बीजेपी को वोट दे रहा है, लेकिन अब वो नाराज है। जोधपुर में मारवाड़ राजपूत समाज भवन में आयोजित की गई बैठक जिसमें समाज के पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसके परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। बाद में मारवाड़ राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी की स्मृति बेहद कमजोर हो गई है। 2018 में समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, परिणाम उनके हाथ से सत्ता चली गई थी। इस बार अगर लोकसभा चुनाव में समाज की मांग पूरी नहीं की गई तो बीजेपी को इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मारवाड़ राजपूत समाज के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांडगा ने बताया, राजपूत समाज का 90% वोट सीधा बीजेपी को जाता है, लेकिन बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में समाज की उपेक्षा की है। समाज के केवल 3 विधायकों को ही मंत्री बनाया गया है, जबकि पार्टी ने समाज के 26 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इसमें से 16 विधायक जीतकर आए। बीजेपी समाज को बंधुआ मजदूर समझ रही है, उनको गलतफहमी हो गई है, वो गलतफहमी हम निकाल देंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समझ में आ जाएगा कि राजपूतों को छेड़ने का परिणाम क्या होता है। मारवाड़ राजपूत समाज के महासचिव केवी चांदरखा ने बताया कि ये समाज बीजेपी का मूल वोटर है। बीजेपी के टिकट पर समाज के 16 विधायक जीत कर आए, साथ ही ये 2 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन मैच 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया। उन्होंने बताया कि पिछली बार बीजेपी की सरकार बनी तब समाज के 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। केपी सिंह चंद्रखा ने बताया कि बीजेपी की जीत से ज्यादा प्रतिशत समाज के विधायकों का है। बीजेपी को समाज आंख मूंद कर वोट देता है और यही समाज की उपेक्षा की जा रही है। अगर इसी तरह समाज की उपेक्षा की गई तो वो अन्य दलों के साथ जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे और अब बीजेपी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। राजस्थान में राजपूत समाज की आबादी 12% है और पिछले 40 साल से बीजेपी को वोट देते रहे। ऐसे में समाज की नाराजगी कैसा असर पड़ेगा ये बीजेपी के नेताओं को भी पता है। फिर भी सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर राजपूतों का कोटा पार्टी घटाती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।